जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज का हमारी नई क्लास में। और क्लास है हमारी चंबा जिला। चंबा जिला से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो हम आज ये शुरू कर रहे हैं आपके साथ। तो ये चंबा जिला का मैप है और मैं आपको बता दूं कि चंबा जो है उसका अधिकतर क्षेत्र जो है वो J&K के साथ लगता है और कुछ क्षेत्र जो है वो लाहौल स्पीति के साथ लगता है और कुछ क्षेत्र जो है वो कांगड़ा जिले के साथ लगता है और यहाँ पर आ जाता है उनका पंजाब का एरिया, इनके पठानकोट एरिया भी अटैच होता है। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमारा जो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट है, ये इसके साथ कौन कौन से जो है स्टेट लगती हैं, तो याद रखिएगा स्टेट आएंगे तो हमारा जम्मू कश्मीर आपने याद रखना है, पंजाब को याद रखना है जो कि चंबा से जुड़ी हुई सीमाएं बनाता है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में जो सीमाएं बनाता है वो हमारा कौन सा है, वो है जम्मू कश्मीर। नंबर दो, अगर हम कांगड़ा और लाहौल स्पीति भी की बात करें तो कांगड़ा और लाहौल स्पीति भी के इन्हीं चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ ही अपनी बॉर्डर लाइन जो है वो बनाता है। इसी का हम आज जो है वो पूरा का पूरा वर्णन करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देख लेते हैं कि चंबा जिले का गठन कब हुआ। बच्चों सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चंबा जिले का गठन, गठन क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट, कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ था। तो 15 अप्रैल 1948 को, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था गुलामी से, तभी इसको इसका गठन कर दिया गया है 48 में। इसके बाद इसका मुख्यालय कहां पर है, तो चंबा का मुख्यालय कहां पर है, तो चंबा में ही है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। पर कांगड़ा का याद करने की जरूरत है क्योंकि उसका कहां है, धर्मशाला, उसका कहां पे है, धर्मशाला पे। नेक्स्ट आता है साक्षरता दर। साक्षरता दर यानी कि पढ़ाई लिखाई की दर जो है वो सबसे कम है, 2011 के अनुसार 73% है। ये जनगणना हुई थी 2011 में अंतिम, उसके बाद आज तक अभी तक जनगणना नहीं करवाई गई है। नेक्स्ट आता है एरिया, क्षेत्रफल, जो कि 6528 वर्ग किलोमीटर में जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट फैला हुआ है। टोटल जनसंख्या की बात करें तो 518,844 जनसंख्या थी 2011 की आंकड़ों के अनुसार। लिंगानुपात, लिंगानुपात समझते हैं तो वो है आपका 989। ये हजार पुरुषों के ऊपर दी जाती है, हजार पुरुषों पर ये उठाई जाती है लिंगानुपात, यानी कि आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कितना ये कम है। दशकीय वृद्धि यानी कि जो जनसंख्या की वृद्धि है वो हर 10 साल का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने परसेंट से बढ़ा है, 12.58 यानी कि 58% के अनुसार जो है इसकी हर साल वृद्धि हुई है। इसके बाद आ जाता है इसकी भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति के लिए मैंने सबसे पहले आपके लिए लाइन लगाई हुई है J&K। J&K जो है वो इसके बीचों बीच आता है, यानी कि साथों साथ लगेगा चंबा जिला जो है। इसकी भौगोलिक स्थिति है पश्चिम, उत्तर पश्चिम में ये हिमाचल के स्थित है। कहाँ पे है, हिमाचल के उत्तर पश्चिम में जो है चंबा जिला स्थित है, और चंबा के उत्तर और पश्चिम में जम्मू कश्मीर। कौन है जी, जम्मू कश्मीर चंबा के किस दिशा में है, उत्तर और पश्चिम में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है पूर्व में कौन सा है, लाहौल स्पीति, और दक्षिण में है आपका कांगड़ा। इसीलिए मैंने ऊपर नीचे बनाया है, आप देख सकते हैं यूं करके, ये कांगड़ा, ये आपका J&K और ये लाहौल स्पीति। तो ये आपको भौगोलिक स्थिति जो है वो याद करनी है। नेक्स्ट आ जाता है धारे, हाथी धार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हाथी धार जो है वो यहाँ की धारे हैं, हाथी धार और धोला धार के बीच जो है भटियात तहसील है। ये भटियात का जैसे नूरपुर के पास, कहाँ पे जी, नूरपुर के पास, नूरपुर के पास क्या कौन सी तहसील है जी, भटियात तहसील है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा जी। नेक्स्ट आते हैं पांगी श्रृंखला।
ये आपकी पीर पंजाल भी कहा जाता है। पांगी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? पीर पंजाल श्रृंखला भी कहा जाता है। इसी प्रकार से दर्रों की बात करें, जालसू सांच कुत्ती पौड़ी और बद बद सोंटिन है ये, तो ये भी दर्रे जो है वो इसी के बीच में आते हैं। नदियों की बात करते हैं, चिनाब नदी क्योट से जो है चंबा में प्रवेश करती है, क्योट जगह का नाम है। चिनाब नदी जो है भाई क्या है, चिनाब नदी जो है वो थियोट जगह का नाम है, वहां से चंबा में घुसती है, प्रवेश करती है। वो संसारी नाला, कहां से? संसारी नाला से निकलकर जम्मू में घुस जाती है। चिनाब नदी जी कहां पर बहती है? चंबा में। और वो चंबा में कौन से जगह से प्रवेश करती है? थियोट जगह से। और वो कहां से निकल जाती है? जम्मू कश्मीर, संसारी नाला। ये आंसर आना चाहिए, चार क्वेश्चन बनेंगे यहां से ही। नेक्स्ट, उदयपुर में मयूर खट और सांच में सेंचू नाला जो है चिनाब में मिलता है। और नदी जो है बड़ा बंगाल से निकलती है, कहां से निकलती है? बड़ा बंगाल से निकलती है। नेक्स्ट, कुढ़िल सुर तुंडाए रावी नदी की सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। कुढ़िल सुर तुंडाए जो है वो भी रावी नदी की ही क्या है? सहायक नदी है। नेक्स्ट आया गया, साल नदी चंबा के पास रावी नदी में मिलती है। साल नदी जो है वो चंबा में कहां से मिलती है? रावी नदी में। साल नदी तो ये चंबा में मिलती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है सयूल, रावी की जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, रावी नदी की सहायक नदी कौन सी है या सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी होगी? सयूल। बच्चों याद रखते रहिएगा, साथ साथ में मेरे साथ बोलते भी रहना है, सयूल। नेक्स्ट आता है रावी नदी खेरी से चंबा छोड़कर जम्मू में प्रवेश करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रावी नदी जो है वो कौन से स्थान से चंबा को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? तो खैरी या खेरी, खैरी भी बोल सकते हो आप। अच्छा जी, कई जगह ऑप्शन पे लिखा होता है, कई जगह खेरी, कई जगह किताबों में खैरी आता है। तो खैरी मैंने सुना हुआ है, जो कि डलहौजी के साथ में ही है और बनीखेत के पास है, ये तुन्नू हट्टी के पास, ठीक है, वहां से पूरा डैम बना है, तो ये जम्मू के साथ जो है वो प्रवेश करती है बेटो। नेक्स्ट आता है घाटियों की बात करते हैं, तो रावी घाटी, चिनाब घाटी, भटियात घाटी, स्विमता घाटी, ये स्विमता है, स्विमता घाटी जो कि नूरपुर के पास है, चंबा की सबसे उपजाऊ घाटियां हैं। तो ये कौन कौन सी घाटियां हैं चंबा में? रावी घाटी, चिनाब घाटी, भटियात घाटी और स्विमता घाटी, ठीक है जी। चंबा में कितनी विधानसभा क्षेत्र है? 5 विधानसभा क्षेत्र है। और वर्ष 2011 में 11 जो है चंबा की जन्म दर जो है वो 18 और मृत्यु दर कितनी थी? मृत्यु दर थी 8। कितनी थी जी मृत्यु दर? 8 थी। नेक्स्ट आते हैं झीलें, आप सबने देखी हैं ये झीलें, कौन सी? मणिमहेश झील, सुनी होगी आपने, मणिमहेश, गाडसर, खजियार, महाकाली और लामा झील, ये सभी झीलें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लामा झील कई बार आपके पेपर में पूछी गई है और ये हमें याद रखना है। इसी प्रकार से खजियार बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, डलहौजी चंबा में है ये, और ये खजियार में भी एक झील है, और आपको बता दूं इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, यानी कि मिनी, याद रखिएगा, भारत का स्विट्जरलैंड नहीं है, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है, पर मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? वो खजियार को कहा जाता है। इसी प्रकार से आगे चलेंगे, चंबा जिले का, चंबा जिले का इतिहास थोड़ा सा आज कंटिन्यू साथ में ही करेंगे। चंबा की पहाड़ियों में मद्र सालब और योधे और औदुम्बर और किरातों ने अपने राज्य स्थापित किए। इंडो ग्रीक और कुषाणों के अधीन भी चंबा रहा था।
चंबा रियासत की स्थापना, सबसे पहले चंबा रियासत की स्थापना जो है वो 550 ईस्वी में अयोध्या से आए हुए सूर्यवंशी राजा मारू ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंबा रियासत की स्थापना किसने की? मारू। और ये कहां के रहने वाले थे? मारू, राजा मारू कहां के रहने वाले थे? अयोध्या। राजा मारू कहां के रहने वाले थे? अयोध्या के रहने वाले थे। मारू ने भरमौर, भरमौर का पुराना नाम क्या है? भरमौर का नाम, पुराना नाम क्या है? ब्रह्मपुर। भरमौर का पुराना नाम ब्रह्मपुर। तो मारू ने अपनी राजधानी किसे बनाया? भरमौर को, ब्रह्मपुर को। तो याद रखना है, ब्रह्मपुर का, भरमौर का पुराना नाम क्या है? ब्रह्मपुर। नेक्स्ट, आदित्य वर्मन, आदित्य वर्मन ने जो है सर्वप्रथम वर्मन की उपाधि धारण की थी। अब सबसे पहला सवाल यहीं पे बन गया, एक और, वर्मन की उपाधि चंबा के किस राजा ने सबसे पहले की थी? तो आदित्य वर्मन ने उपाधि धारण की थी। नाइस वन। नेक्स्ट आ जाता है वर्मन, मेरु वर्मन, यानी कि भरमौर का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ है और वर्तमान में चंबा शहर तक अपने राज्य का इन्होंने विस्तार किया। उसने ही कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को भी हराया है। मेरु वर्मन ने भरमौर में मणिभेश मंदिर, लक्ष्णा मंदिर और गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर, छतराड़ी में शक्ति देवी का मंदिर का भी निर्माण करवाया है। बहुत बार ये मंदिरों से जुड़े हुए सवाल भी बहुत बार आते हैं, इसलिए हमें ये मंदिरों को भी याद रखना है कि लक्ष्णा देवी का मंदिर कहाँ पर है? चंबा। नेक्स्ट, गणेश मंदिर कहाँ है? चंबा। ये किसने बनाया है ये भी याद रखना है। नरसिंह देव प्रथम, सॉरी, नरसिंह मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ है? चंबा। इस प्रकार से याद रखना है। फुग्गा शिल्पी, फुग्गा शिल्पी जो है मेरु वर्मन का जो है प्रसिद्ध शिल्पी था, यानी आप समझ रहे हो ना शिल्पी क्या होते हैं, ठीक है, काइशकार बोलते हैं जिनको, जो कारीगर, ठीक है जी। तो फुग्गा जो शिल्पी थे वो मेरु वर्मन के प्रसिद्ध शिल्पी थे, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है लक्ष्मी वर्मन, लक्ष्मी वर्मन के कार्यकाल में जो है महामारी से ज्यादातर लोग मर गए थे। लक्ष्मी वर्मन जब आए थे तो उनके कार्यकाल में क्या हुआ था? बहुत ज्यादा जो है महामारी फैल गई और तिब्बती, यानी कि किरात बोलते हैं तिब्बतियों को, क्या बोलते हैं? किरात ने चंबा रियासत के अधिकतर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। फिर लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद कुल्लू के राजा या रियासत के बुशहर के राजा की सहायता से चंबा को फिर स्वतंत्र करवाया गया था। नेक्स्ट आता है मुसान वर्मन, ये अलग अलग राजा हुए हैं उनको पढ़ा रहा हूं मैं। मुसान वर्मन, मुसान वर्मन कौन थे? लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद जो है राजा, सॉरी, लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद रानी राज्य से भाग कर एक गुफा में पुत्र को जो है जन्म दिया। पुत्र को गुफा में छोड़कर रानी आगे बढ़ गई, परंतु वजीर और पुरोहित रानी की सच्चाई जानने के बाद जब गुफा में लौटे तो बहुत सारे चूहों को बच्चे की रक्षा करते हुए पाया। यहीं से राजा का नाम मुसान वर्मन रखा गया। रानी और मुसान वर्मन सुकेत राजा के पास रहे और सुकेत राजा ने अपनी बेटी का विवाह मुसान वर्मन से कर दिया। मुसान वर्मन ने सुकेत की सेना के साथ ब्रह्मपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। मुसान वर्मन ने अपने शासन काल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि भाई उसने उसको बचाया था और साथ में उसकी रक्षा की थी चूहों ने, इसलिए उसने का नाम मुसान वर्मन पड़ा और प्लस ने उसकी मारने की भी जो है मनाही, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया था कि भैया कोई भी नहीं मारेगा इन चूहों को, ठीक है जी। तो ये मुसान वर्मन थे। ये बात साहिल वर्मन आए, साहिल वर्मन, चंबा शहर की नींव किसने रखी? देख सकते हैं चंबा शहर की नींव 920 ईस्वी में किसने रखी थी? साहिल वर्मन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, राजा साहिल वर्मन के 10 पुत्र और एक पुत्री थी, इसका नाम चंपावती था। चंबा का नाम जो है
वो उनकी पुत्री, उन्होंने अपनी पुत्री के ही नाम पर रखा है। क्या नाम था उसका? चंपावती। क्या नाम था? चंपावती। उसने चंबा शहर का नाम अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर ही रखा और राजधानी ब्रह्मपुर से चंबा ले आए। पहले चंबा की राजधानी क्या थी? ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर मतलब भरमौर, बोलते रहना है अपने अपने मन में भरमौर। और साथ में फिर उसके बाद चंबा से किसने पहुंचाई? जिसने चंबा की स्थापना की। स्थापना किसने की? साहिल वर्मन ने। तो साहिल वर्मन की पत्नी रानी नैना देवी ने शहर में पानी की व्यवस्था के लिए अपने प्राणों का त्याग दे दिया। तब से रानी नैना देवी की याद में हर साल सूही मेला मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूही मेला कहाँ लगता है? चंबा में। और ये प्रसिद्ध किसके लिए है? महिलाओं और बच्चों के लिए प्रसिद्ध है। प्रकार से राजा साहिल वर्मन ने लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये कहाँ पर है लक्ष्मी नारायण मंदिर? ये मंदिर चंबा में, मेन चंबा में चौगान के साथ में ही है। चंद्रशेखर साहू, साहू जगह का नाम है चंद्रगुप्त, और कामेश्वर मंदिर का भी इन्होंने निर्माण करवाया है। तो ये थे साहिल वर्मन। इसके बाद आ जाता है हमारे युगांकर वर्मन। युगांकर वर्मन कौन थे? युगांकर वर्मन 940 ईस्वी में की पत्नी त्रिभुवन रेखा देवी ने जो है भरमौर में नरसिंह मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था। तो नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये भरमौर में है, याद रखिएगा। कहां पर है ये? भरमौर में। कौन? नरसिंह मंदिर। नेक्स्ट आ गया युगांकर वर्मन ने चंबा में गौरी शंकर मंदिर का भी निर्माण कराया। गौरी शंकर मंदिर का जो है निर्माण चंबा में किसने करवाया? ये भी हमें याद रखना। ऐसे ही है, नेक्स्ट आता है सलवाहन वर्मन। रास तरंगनी के अनुसार कश्मीर के शासक अनंत देव ने जो है भरमौर पर सलवाहन वर्मन के समय में आक्रमण किया था। कब किया था? सलवाहन वर्मन के समय में उन्होंने आक्रमण किया था। तो आज के लिए हम ये सात जो है वंशज पढ़ेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट के। इसके बाद आगे के हम जो है राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे। तब तक के लिए आपको कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।